अपने घर को ऐसे टूटता फूटता जर्जर जर अवस्था में देखो तो कितना बुरा लगता है क्योंकि हमने ये घर खुद बनाया है मम्मी को तो हम लेके नहीं आए क्योंकि मम्मी देख नहीं सकती थी, थी ये सब तो सब अब लोग शिफ्ट होकर हम लोग देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं और सारा सब कुछ जो हमारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं यहां से फिलहाल शिफ्ट कर रहे हम लोग नथिंग मोर स्पेशल घर सिर्फ मकान नहीं चार दीवारी नहीं बल्कि घर होता है आशियाना होता है जिसमें लोग अपने संज, सपने संजोते हैं लोग अपनी यादों को संजोते हैं और किसी का अगर घर टूट जाए और उसे मजबूर होना पड़े उस घर को छोड़ने में तो इससे दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता जोशीमठ में इस समय हम मौजूद हैं गांधीनगर ये क्षेत्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको घर दिखाते हैं जो कि भू दसाव की वजह से किस तरीके से यहाँ पर दरारें आई हैं बड़ी बड़ी दरारें आई हैं ये सिर्फ दरार नहीं है बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पृथ्वी फट रही हो और यहाँ पर रहने वाले जो डॉक्टर राजपूत का परिवार है वो मजबूर है इस घर को छोड़ने पर उनसे बात करते हैं जानते हैं कि आ, क्या समस्या उनको इस समय आ रही है काफ़ी कष्टदायी होता है ऐसे में अपने घर को छोड़ना डॉक्टर राजपूत काफी कष्टाई है अपने घर को छोड़ना लेकिन कोई चारा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है जिंदगी के लिए खतरनाक है तो किस तरीके से आप अभी खाली कर रहे हैं सरकार क्या कर रही है अभी गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर इन्वॉलमेशन तो कंफर्म नहीं हुआ है और ना अभी गवर्नमेंट से कोई आश्वासन किसी भी तरीके का हम लोगों को मिला है जस्ट एस्टिमेटम कंफर्म हुआ है कि रेड जोन में इस एरिया को पुड ऑन किया है नामांकित किया हुआ है और सिर्फ खाली करने की अनुमति हमें दी गई है वार्निंग है यू शुड मेक एमपी टू दिस प्लेस इमिजिएटली एज़ वेल एज इन पॉसिबल टाइम तो फिलहाल अभी हम लोग इसको शिफ्ट करके देहरादून की तरफ मूव कर रहे हैं गवर्नमेंट का अभी तक का कोई आश्वासन तो क्या है कॉल भी नहीं है कोई कंफर्मेशन नहीं है विस्थापन के लिए कोई नीतियां नहीं बनी हुई हैं 2000 थाउजेंड अप्रॉक्स टू नाइन्टी टू में हम लोग यहां पर स्टैब्लिश हो गए थे मेरे फादर इन लॉ तो अब इनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है पहले ये लोग किराए पर रह रहे थे अब ये वाले घर से किराए की आमदनी भी होती थी तो इनसे इनका घर और परिवार चलता था अब जो पंद्रह बीस हज़ार रुपये यहाँ से रेंट हमें कलेक्ट होता था वो भी आमदनी का जरिया इनका ख़त्म हो चुका है आई थिंक सो गवर्नमेंट को इस मामले में एक म्यूचुअल लेवल पर डिस्कस करके एक पर्टिकुलर स्टेप लेना चाहिए आई थिंक सो इस तरीके की नीतियाँ जो नहीं होनी चाहिए थी इस मामले में कोई नीतियाँ प्रस्तावित नहीं की गई हैं कोई समायोजन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने कोई चीज़ों का क्लेरेशन नहीं दिया है और जस्ट अभी रेड जोन में डाल के इसको शिफ्ट करने की सिचुएशन दी है कोई शिफ्टिंग के चार्जेस के लिए भी तक कोई आगे नहीं आया कि हम लोग अपनी पॉकेट से शिफ्टिंग का भी यहाँ से मैनेज करेंगे कोई गवर्नमेंट का स्टेप नहीं है या कोई ऐसी हेल्प नहीं है तो कब खाली करा आपने ये घर आज ही हम इसको पूरा शिफ्ट कर रहे हैं बाकी जो मेरे टैनिन्स ऑलरेडी दो यहाँ पे रह रहे थे जिनसे ट्वेल्व टू फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ की इनकम आती थी उनको ऑलरेडी पंद्रह दिन पहले यहाँ से मूवमेंट करने के लिए ऑर्डर कर दिया था उनको भी अब अनुमति नहीं है यहाँ अंदर आने की ऑलमोस्ट तो सब अब लोग शिफ्ट होकर हम लोग देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं और सारा सब कुछ जो हमारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं यहाँ से फिलहाल शिफ्ट कर रहे हैं नथिंग मोर स्पेशल हो लिपिका और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हमारे साथ राजपूत फैमिली की दूसरे सदस्य हैं है। मैम आपका नाम और काफ़ी भावुक पल है और काफ़ी कठिन है ये नहीं पूछ सकते कि कैसा लग रहा है आपको ये काफ़ी कठिन समय है आपके लिए आपको अपना सपनों का घर छोड़ना पड़ रहा है तो इस समय आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं और जब आपने घर ख़रीदा था अभी कुछ सालों पहले भी आपको लग रहा था कि इस तरीके से आपको घर छोड़ना पड़ेगा ये जगह ख़तरनाक हो जाएगी बिल्कुल नहीं मैं बसंती शाह भारद्वाज मैं इस घर की बेटी हूँ और हमने ये इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाएगा बल्कि हमने ये सोचा था कि इस सर्दी हम सारे सिस्टर्स आएंगे अपने बच्चों को लेके आएंगे और अपने घर में रहेंगे थोड़ा इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे लेकिन अचानक से अगर ऐसा कुछ आ जाता है नेचुरल डिज़ास्टर ही है एक तरीके से बट हमको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो तो हमें अड़ोसी पड़ोसियों के कारण ये थोड़ा सा यहाँ का पता चल रहा है कि यहाँ ऐसी क्रैकिंग आ गई है तो और हेल्प तो क्या एक इन्फॉर्म कर दें तो हम टाइम पे आ जाएं अपने किरायेदारों को देख लें अब आके हम ऐसी कंडीशन देख रहे हैं अपने घर को ऐसा टूटता फूटता जर्जर अवस्था जर में देखो तो कितना बुरा लगता है क्योंकि हमने ये घर खुद बनाया है मम्मी को तो हम लेके नहीं आए क्योंकि मम्मी देख नहीं सकती थी ये सब पर गवर्नमेंट को कम से कम इतनी हेल्प करनी चाहिए कि अभी हम शिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे लोग कितना कितना चार्जेस मांग रहे हैं सिर्फ इन सामान को यहाँ से छत पे ले हमारा छत बिल्कुल सड़क से मिला हुआ है तो कम से कम इतनी हेल्प तो होनी चाहिए कि वो हमें यहाँ पे लेबर्स प्रोवाइड करा दें कन्वेंस प्रोवाइड करा दे चलो वो भी हम अपने उससे करेंगे पर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म कर देते कि यहाँ पे ऐसे ऐसे प्राकृतिक आपदा आ रही है आप लोग आओ अपना घर ऐसे हुआ ये प्रोसेस आप अपने घर में थे आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है और ये क्रैक्स कब से डेवलप होना शुरू हुआ ये आपने कब से देखना शुरू किया गर्मियों से हुआ हल्का फुल्का है ना साल भर हो गया है इसको गर्मियों में हमें ज्यादा इसका शिकायत आपने कहीं करी कि घर में ऐसा टूट फूट हो रही है इसको कहीं दिखवाना चाहिए नहीं दिखाया नहीं हमने सोचा था की हाँ जी डाली एक साल से हो रहा है ये सब बल्कि हमने भेजा भी था यहाँ पे मेरे को उन्होंने के वीडियो वगैरह बनाई तो बताया की लेकिन कर तो रहे हैं कुछ शिफ्टिंग का कितना एक्सपेंस आ रहा है मतलब अभी तो खैर आने के चार्जेस लग चुके हैं एक्जेक्टली अभी हम लोग देहरादून से यहाँ पर आए टेन थाउजेंड इनिशियल लेवल पे हम अभी गाड़ी अरेंज करी है यहाँ आने के लिए अप्रॉक्सली टेन थाउजेंड रुपीज़ अभी रिटर्न फेयर होगा हम लोगों का जितना भी इक्विपमेंट्स हम लोग यहाँ से कैरी कर सकेंगे एट अप्रोक्सली टू टू थ्री थाउजेंड रुपीज़ लेबर इक्विपमेंट्स में भी शिफ्ट होगा तो ऑलमोस्ट पच्चीस से तीस हज़ार रुपये तक का खर्चा हम लोगों को एडिशनल बेयर करना पड़ रहा है मेरी धामी सरकार से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है और उनसे मेरा एक अनुरोधन है नम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस तरीके की आपदाओं के लिए वो जो भी जिम्मेदार है, उनके लिए एक नीतियाँ प्रस्तावित की जाएं और सारे लोगों को इन नीतियों के बारे में प्री अप्रूवल लेकर कंफर्म किया जाए और बहुत सही तरीके से इन चीज़ों का समायोजन करके और शिफ्ट करने की मदद करें और जो आवश्यक और ज़रूरी परिवार हैं उनको आगे आकर गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई हेल्प नहीं है कोई कुछ नहीं है तहसीलदार तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तहसील में दो बार अभी तक जा चुके हैं यहाँ पर जो लोकल तहसीलदार हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कोई बात करने को तैयार नहीं है लोग अपनी जेब से 20 बीस पच्चीस पच्चीस हज़ार रुपये यहाँ पर खर्च करके हम लोग शिफ्टिंग हो रहे हैं तो आई थिंक सो गवर्नमेंट शिट नीड नीड टू टेक कम फ्रंट ऑफ इन दिस स्टेट और दे नीड टू अ पर्टिकुलर नेसेसरी एक्शन सेम इन दिस मैटर आई थिंक सो दिस नॉट अ जोक एक्चुअली मई थिंक इज दैट कि ओनली एन टी पी सी इज़ रिलेटेड दिस uh, मैटर उनको इस मामले में डिस्कस करना चाहिए अब क्या है गवर्नमेंट की आगे की नीति इसके बारे में अभी तक कोई पता तो नहीं है लेकिन लेट हैव टू बी सी अब विस्थापन का है कहाँ देते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को इस मामले में बहुत सावधानी पूर्वक बहुत अच्छे से कोई डिसीजन जरूर लें और सब लोगों की हेल्प जरूर करें प्लीज तो देखिए यहाँ पर जैसे डॉक्टर राजपूत के परिवार हैं ऐसे 600 से ज़्यादा और परिवार हैं जोशीमठ में जो इस समय मजबूर हैं अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हैं आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्रैक्स बन रहे हैं ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरी दीवार जो है फट चुकी है ये सिर्फ दरारें नहीं हैं बल्कि ये पूरा अलग हो चुका है ढांचा और ये बताता है कि किस तरीके से ये कभी भी ढह सकता है और क्षेत्र जो है रहने के लिए ख़तरनाक है हालांकि लोगों की यहाँ शिकायत ये है कि सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई है लोग जो हैं अपने खर्चे पर रहने के लिए शिफ्ट होने के लिए मजबूर हैं जो कि एक बहुत ही पीड़ादायक चीज़ है कैमरामैन अल बडूनी के साथ अंकित शर्मा जोशीमठ उत्तराखंड तक